हेलो एंड वेलकम टू स्पाइस बॉक्स एंड कुकिंग। आज मैं शेयर कर रही हूँ रसम पाउडर की रेसिपी। रसम पाउडर बनाने के लिए हमें चाहिए साबुत धनिया 5 बड़े चम्मच, काली मिर्च 1.5 चम्मच, सूखी लाल मिर्च 8 से 10, जीरा 3 चम्मच, सरसों दाना 2 चम्मच, हींग पाउडर आधा चम्मच, मेथी दाना 1 चम्मच, भुनी हुई चना दाल 4 बड़े चम्मच, करी पत्ता 1 मुट्ठी और हल्दी पाउडर 1 चम्मच। सबसे पहले एक पैन में हम इन मसालों को भूनेंगे। तो सबसे पहले हम साबुत धनिया डालते हैं, काली मिर्च डाल देंगे। अब हम इसमें डालते हैं सूखी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डालते हैं जीरा, साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे मेथी दाना और सरसों। इन मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। क्योंकि मैंने रोस्टेड चना दाल यूज़ की है तो इसलिए मैं उसे सबसे बाद में डालने वाली हूँ, लेकिन अगर आप रोस्टेड चना दाल यूज़ नहीं कर रहे हैं और नॉर्मल चना दाल है तो सबसे पहले चना दाल को हम रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद में हम बाकी मसाले रोस्ट करेंगे। अब हम इसमें रोस्टेड चना दाल डाल देते हैं। मसालों की अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाता है जब मसाले भुनने लगते हैं। इसे हम स्टर करते रहेंगे बीच बीच में। अब हम इसमें डालते हैं करीली और हींग, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि स्पाइसेस स्प्लटर होने लगे हैं। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालते हैं और अब ये भूनकर तैयार। मसाले जब अच्छी तरह से भुन जाते हैं तो उसे ठंडा होने के लिए हम एक बड़ी प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। और मसाले अब ठंडे हो गए हैं तो अब इसे हम मिक्सर के एक जार में इसका फाइन पाउडर बना लेते हैं। ये अब रसम पाउडर बिल्कुल तैयार है। अब रसम पाउडर को हम एक कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी हम रसम बनाएं, चाहे वो टमाटो रसम हो, गार्लिक रसम या रसम की कोई और भी रेसिपी, उसमें हम इस रसम पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये थी घर पर रसम पाउडर बनाने की रेसिपी। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लीव अ थम्स अप, शेयर दिस रेसिपी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक्स अ लॉट।